गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेजर्ट फूड रेसिपी। आइए आज हम बनाएंगे बच्चों का पसंदीदा नाश्ता नूडल एकदम नए तरीके से। बनाने के लिए हमने कढ़ाई को फ्लेम पे गरम करा किया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। मैं इसमें राइस ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो सरसों का तेल डाल सकते हैं। गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच के करीब अदरक के टुकड़े का पेस्ट डाल रही हूँ। दो हमने शिमला मिर्च काटी है वो डाल रही हूँ। थोड़ी देर इसको पकाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ी सी देर इसको हम पकाएंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें 3 से 4 टमाटर छोटे छोटे कट किए हुए डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 4 नूडल के पैकेट लिए इसलिए मैं इसमें 8 कप पानी डालूंगी। तो टमाटर पानी में अपने आप ही पक जाएंगे। उबाल आ चुका है, इसमें 4 मैकल पैकेट नूडल मसाला डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 4 पैकेट नूडल डालूंगी, थोड़े से एकदम छोटे छोटे लिए हैं और थोड़े मैंने इस तरह से तोड़ लिए हैं, इनको इसके अंदर डालेंगे और पकने देंगे। इनके साथ साथ बच्चे नूडल के साथ साथ सब्जियां भी खाएंगे और खूब चाव से खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट तक मैंने 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहे। हमारी नूडल बनके तैयार है। तो कैसी लगती है मेरी रेसिपी? आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं।